वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। ये समझ चुके थे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे बच्चे। अब देखो बच्चे, आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, उसके इंपॉर्टेंस को भी समझोगे, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया, फिर आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का आपको जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एनुइटी और अदर क्वेश्चंस को आप टैकल करने में आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट अदर टॉपिक्स के लिए आपको एक बेस भी देगा, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने। पी मीन्स क्या होता है बच्चे? द ओरिजिनल प्रिंसिपल। पी मीन्स क्या होता है बच्चे? द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल बच्चे मीन्स आप वो अमाउंट जो स्टार्टिंग में आप किसी को लोन देते हैं, वो अमाउंट जो आप स्टार्टिंग में किसी से लोन लेते हैं, जो स्टार्टिंग मनी होती है बच्चे, उसको आप क्या बोलते हैं? बच्चे चैट के थ्रू आप कम्युनिकेट करें मुझे, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो इनिशियल अमाउंट जो है, जिससे कि आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है, किसी को आपने लोन दिया, किसी से लोन लिया, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। एन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। एन का मतलब जनरली बच्चे क्या समझते हैं? टाइम। टी भी यूज करते हैं जनरली जो बिगिनर्स होते हैं, कुछ बुक भी। एन का मतलब ये नहीं होता, एन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज होगा, कितने टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज होगा, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा। क्लियर है? अगर इस सिचुएशन में एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे हर साल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, एक साल में हर साल के एंड में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, तो फोर ईयर में कितनी बार चार्ज करूँगा? तो टी आपका यहाँ पर टाइम क्या है? फोर। क्लियर है? टी क्या है आपका यहाँ पर? फोर। और कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ? फोर। तो जनरली बच्चे समझ लेते हैं कि टी इक्वल्स टू एन, मतलब जो टाइम होता है वही एन होता है, बट ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपसे हर सिक्स मंथ में इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आऊँगा, ठीक है, और फोर ईयर के लिए आप पैसा मेरा ले लेते हो, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? फोर, और हर सिक्स मंथ में आ रहा हूँ, तो इंटरेस्ट लेने कितनी बार आऊँगा? ईयर में दो टू टाइम्स, एंड फोर ईयर में एट टाइम्स, तो एन इक्वल्स टू एट होता है। और आपका यहाँ पर जो फॉर्मूले में हम एन यूज़ करेंगे, वो उसका टाइम मतलब नहीं है, उसका मतलब है इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज होगा, दिस वन। ये इसके इंपॉर्टेंस है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको एन का मीनिंग भी क्लियर हो गया बच्चे। आई द इंटरेस्ट रेट, जो कि आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, उसे कोई हर्ज नहीं है, बट जनरली इजी करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में आपको लेके चलना है। इंटरेस्ट, आई मीन्स इंटरेस्ट रेट, इसको डेसिमल, वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर बोलते हैं, लाइक 10%। अगर आप इसको डेसिमल में क्रिएट कर दोगे, क्लियर है बच्चे, तो 0.1 डेसिमल में हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम आई बोल देंगे, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल या फिर जो पैसा आप लोन ले रहे हो उसका कितना पार्ट आपको एक्स्ट्रा एज इंटरेस्ट पे करना है। एस सम अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड्स। एस मीन्स क्या होता है बच्चे? लाइक आपने 10,000 रुपीज मुझसे लोन लिया, ये तो प्रिंसिपल हो गया, क्लियर है, और आपको इंटरेस्ट मुझे देना है, इंटरेस्ट आपको मुझे देना है 2,000 रुपीज। तो एक साल के एंड में टोटल कितना रिटर्न करोगे आप? 12,000 रुपीज मुझे रिटर्न करोगे, जिससे कि पूरी स्टोरी एंड हो जाएगी। इसको हम एस बोलते हैं, सम ऑफ अमाउंट। क्लियर है बच्चे? तो आपको समझ में आया एस क्या है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो जरा यहाँ पर आप समझे इस फॉर्मूले को, मैं इस फॉर्मूले बाद में आऊँगा, पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट तो समझ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। वापस इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले दोनों को मैं बताऊँगा कैसे आया। देखो एक केस लेते हैं, प्रिंसिपल है बच्चे 1,000 रुपीज, ठीक है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं 10%, ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होगा, एंड टाइम आपके पास में 3 ईयर के लिए आपने लोन लिया, और एनुअल चार्ज है। चार्ज कैसे है? हर साल में एक बार चार्ज होता है। तो आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल आपके पास में बच्चे 1,000 रुपीज़ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 10% चार्ज कर रहा हूँ,
3 ईयर के लिए पैसा यहाँ भी दे रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो अब आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, जो पैसा आप मुझसे लोन ले रहे हो उस पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना है, जो आप मुझसे स्टार्टिंग में लोन लेके गए हो उस पर ही हर बार इंटरेस्ट पे करोगे, क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, जितना मेरा पैसा आप यूज करोगे आपको उन सब पे इंटरेस्ट पे करना होगा। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, जितना लोन ले रहे हैं उतना तो यूज करेंगे। नहीं सर, एक बात नहीं, अलग अलग बात है। एग्जाम्पल के लिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या डिफरेंस है, यहीं से बता दूंगा फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ अगर आप समझ गए तो। लाइक प्रिंसिपल आपके पास में बच्चे क्या है, प्रिंसिपल आपके पास में 1000 रुपीज है। फर्स्ट ईयर चार्ज क्या करोगे, 10%। और ये क्या कहता है, जितना लोन लिया उस पे दोगे, तो लोन लिया आपने 1000 रुपीज, तो उस पे 10% दोगे तो क्या दोगे, 100। नेक्स्ट ईयर आपका 10% चार्ज होगा, जितना लोन लिया उस पे दोगे, लोन 1000 रुपये लिया था इस पे दोगे 100 रुपये। एंड थर्ड ईयर 10% चार्ज होगा, और आपने जो लोन लिया, लोन का अमाउंट क्या है 1000 रुपीज, तो इसके ऊपर आपका 100 रुपीज। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, जो लोन लोगे उस पे दोगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्विस्ट कहां आ जाता है उसको जरा समझिए। प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, फर्स्ट ईयर ये कहता है मेरा जितना पैसा आप यूज करोगे उस सब पे मैं ब्याज लूंगा भैया, जो मेरा पैसा आप पे पड़ा हुआ है ब्याज दो, तो मेरा कितना पैसा पड़ा हुआ है एंड में 1000, ठीक है। तो इस पे मैं 10% चार्ज करूंगा आपसे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 100 रुपीज, कितना आ जाएगा 100 रुपीज, ठीक है बच्चे। एंड नेक्स्ट ईयर, अब मैं आपसे कहता हूँ नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर के एंड में गया मैंने बोला भैया कितना पैसा यूज़ किया, आपने कहा सर 1000 रुपीज़ यूज़ किया, मैंने दो ब्याज 10%, कितना हुआ जो यूज़ किया 1000 का 10%, जिसका जो यूज़ किया उसका देना है, तो 10% कितना 100 रुपीज़। आप कहते हो सर 100 रुपीज़ अभी नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर लगा लेना। तो मैं कहूँगा आपसे कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, पर आप ध्यान तो रखना मेरा कितना पैसा आपके ऊपर है वन ईयर के एंड में। ध्यान सुनो, 1000 रुपये जो लिया था वो है, 100 रुपये मेरा ब्याज है या नहीं आप पे, दोगे इन दोगे दोगे, तो मेरा कितना पैसा आप यूज़ कर रहे हो मेरा, अब आपके पास में जो मेरा पैसा यूज़ हो रहा है वो 1000 वो और 100 रुपीज़ इंटरेस्ट का। अब मेरा पैसा अब आपके पास में यूज़ कितना होगा बच्चे, अब यूज़ होगा 1100। मेरी बात समझे, क्लियर है। तो सेकंड ईयर की मैं बात करता हूँ, तो सेकंड ईयर में 1100 का 10% पे करूँगा, तो कितना करूँगा 110। तो इस पे बेसिकली क्या है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके जो आपका सम ऑफ अमाउंट बनता है ना एस, उसके ऊपर रेट अप्लाई होता है, क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट ईयर आता हूँ सेकंड ईयर, बोलता हूँ एक तो 1100 रुपये वो याद है आपको, और 110 रुपये इस साल का बन गया ब्याज, लाओ दो सारे पैसे। आप कहते हो सर इस साल भी नहीं है, अगले साल पक्का प्रॉमिस दे दूंगा। मैं कोई बात नहीं, बट ध्यान तो रहे कितना पैसा मेरा यूज़ कर रहे हो, 1100 तो वो हो गए, 110 रुपये ये हो गए, कह रहे ठीक है सर। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर की मैं बात करता हूँ, थर्ड ईयर कितना यूज़ कर रहे हो आप, 1210 रुपये अब आप उसके पास में है, 110 रुपये ये भी, ठीक है बच्चे। तो थर्ड ईयर के एंड में इसका 10% चार्ज करोगे तो 121 रुपये आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया बच्चे आपका 331 रुपये। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया था आपका 300 रुपीज़। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, क्लियर है बच्चे। जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है वही क्या है डिफरेंस होता है। समझ में आया आपको दोनों का लॉजिक, क्लियर है। अब एक बात और समझो जरा, मैं इसको ऐसे ना करके, मैं एक और तरीका मेरे पास करने के लिए, 1000 रुपीज़ है मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो नेक्स्ट ईयर ये 1000 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट पे करूंगा ये अलग क्वेश्चन है, तो 10% अप्लाई करोगे। चलो छोड़ो इसको, मेरी एक बात समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, गणित सीखो पहले। हाँ सर मेरी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, तो आप क्या करते हो 1000 का 10% कैलकुलेट करोगे, जी 100 रुपीज़ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई, अब कितनी हो गई है, तो अब कितनी इंक्रीज हुई है ये नहीं बताना, अब कितना अर्न कर रहा हूँ ये बताना है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसमें 100 ऐड करके बताओगे जी 1100 हो गई है 10%, तो वो आप निकालो और ऐड करो, इससे बचो,
क्या कर सकते हो आप, 1000 रुपीज सर आपकी सैलरी है 100% और 10% इंक्रीमेंट हो गया। अब जो चीज़ आपके लिए पहले 100% थी अब वो 110% हो गई है। 100% वो इनिशियल, हर चीज़ स्टार्टिंग में, हर चीज़ क्या नहीं होती है 100%, हर चीज़ चेंज होने के बाद क्या हो जाती है 100%। भैया 10 साल पहले जो पिताजी की इनकम थी वो 100% थी, उसके बाद जो 5 साल बाद रही 100%, आज जो कमा रहे हैं वो 100%, हर इनकम चेंज होना 100% हो जाता है। तो अपने आप में 100% है, जब 10% इंक्रीमेंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 10% भी ऐड करना है ना, तो मैं इसका कर देता हूं 110%। तो 10% में 10 आएगा, 110% में 100% प्लस 10% और 110%, तो डायरेक्ट मुझे यहां पे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1100 ऐड हो गया आएगा। ये बात आप समझ पाए, क्लियर है? तो अब आप जरा देखो इस चीज को क्या हो रहा है, क्या कर सकता हूं मैं, 1000 रुपीज है, 10% इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो मेरा कितना पैसा आपके ऊपर आ जाएगा, तो 100% ये रहेगा, 10% इंटरेस्ट का रहेगा, तो ये 110% बन जाएगा, 1100 मेरे पास आपके ऊपर आ जाएगा। अब फिर मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो इसका 10% फिर ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये अपने आप में 100% है, इसका 10% ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 110%, 1210 रुपए। फिर 10% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके ऊपर, तो 10% इसका कैलकुलेट करके इसमें ऐड करूंगा, या 100% है तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा 110%। ये चीज समझ में आ रही है बच्चे? तो ये क्या है, एस है, सम ऑफ अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1000 रुपीज से आप कहां पहुंच गए हो, दिस वन, तो आपको 331 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिला। बच्चे रिपीट करूं मैं, दोबारा रिपीट करूं, कहां से वॉइस नहीं आ रही थी बच्चे? वॉइस कब से नहीं आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, वॉइस आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही थी वॉइस बता दो मुझे, यहां तक वॉइस आ रही थी बच्चे, एस इक्वल्स टू दिस, ये क्लियर है आपको? यहां पे वॉइस आ रही थी, बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव क्लासेस में, कहां से बताना है बच्चे? अब नो सर यस सर कर रहे हो, समझ कहां से बताने बता दो मुझे कमेंट करके। स्टार्टिंग से नहीं आ रही थी या फिर कब से नहीं आ रही थी? सर एस इक्वल के बाद वॉइस चली गई थी, ठीक है, दिस वन, यहां तक था ना बच्चे, यहां तक थी बच्चे, इसके बाद मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं सब कुछ। दिस वन बच्चे क्लियर है? इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं सेम क्वेश्चंस को, कि मेरे पास में क्या था 1000, एक साल के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ में आया था, सम ऑफ अमाउंट क्या बना 10% ऐड कर दूंगा, ये 100% है दिस वन, यही करा मैंने। अब कैलकुलेट करके अगेन सॉल्व करने से अच्छा कि यहीं पे आप कैलकुलेट कर लो। अब बच्चे 3 + 2 + 5, आप 5 + 5 करके करो या फिर आप एक यहीं पे सॉल्व कर दो, बात तो एक ही है। तो फिर जो ये आपका अमाउंट था वह एज अ 100% बना, फिर उसका 10% ऐड करना था तो 110% अगेन हो गया, एंड फिर जो आपका अमाउंट क्रिएट हुआ उसका 10% तो फिर से 110% हो गया। यही तो किया है बच्चे हमने, यही तो आया हमारा आंसर। अब इस चीज को फॉर्मूले में कैसे ट्रांसफर करेंगे वो समझिए, अमाउंट आया ना ये हमारा तो एस आएगा, कैसे, ये क्या है प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस, अब 1 मींस भैया परसेंटेज के फॉर्म में कोई भी चीज टोटल कितनी होती है 100, और फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी चीज टोटल कितनी होती है 1, तो ये 1 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस आई, तो 1 तो वो है, प्लस में कितना और एक्स्ट्रा उसमें ऐड होगा दिस 1 आई, और ये कितनी बार है, कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज करा एन टाइम्स, तो
इक्वल्स टू एन, तो आपका सेम चीज़ है, सेम है ना बच्चे, क्लियर है। अब आप अपने फॉर्मूले पर आते हैं, दिस वन, क्लियर है। तो आपके पास समझ में आया फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ बच्चे आपका, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट वन प्लस आई रेज टू पावर एन, क्लियर है। अब आप यहां पर देखेंगे कि पी इक्वल्स टू ब्रैकेट वन प्लस आर बाय एम, और ये फॉर्मूला क्या है, आप आपके माइंड में होगा बच्चे दोनों एक ही फॉर्मूला है, बट ये क्या है मैं आपको ये बात भी डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ अभी, इन फ्यूचर आगे भी आपको काम आएगा। देखो बच्चे एक एग्जांपल लेता हूँ, टाइम थ्री इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, टाइम थ्री इयर्स है और इंटरेस्ट जो चार्जेबल है हर 6 मंथ में चार्जेबल है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्लियर है, हर 6 चार्ज कर रहे हैं, 3 साल के लिए पैसा लिया आपने, तो मैं इसमें तो ये वाला फॉर्मूला आप सोच रहे हो कि S इक्वल्स टू P ठीक है और 1 प्लस I ठीक है, अगर आप सोच रहे हो मैं 12% अप्लाई कर दूं जो कि फ्रैक्शन में 0.12 डेसिमल में होगा, और आप रेज टू पावर n, आप n सोच रहे हो कि मैं n यहाँ पे 3, तो आपको मैंने बता दिया पहले स्टार्टिंग में n डिफरेंट होता है, t डिफरेंट होता है, अब आप सोचोगे n यहाँ पर मैं क्या रखना है, तो आप कैसे निकालोगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 6 मंथ इन अ ईयर, तो 1 ईयर में कितने टाइम्स आएगा ये बताओ, 1 ईयर में 12 मंथ होता है एंड 6 मंथ एन इन अ ईयर, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में भी, बस इतना फॉर्मूला आ जाए इतना बता रहा हूँ। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, m, m क्या होता है बच्चे, m मीन्स कि 1 ईयर में कितनी बार वो आपसे ब्याज लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए आएगा, ये कैसे निकालते हो, 1 ईयर का पीरियड कितना है, 12 मंथ का, मंथ है तो मंथ में काम करेंगे, और हर 6 मंथ में आ रहा है वो आपके पास में, तो कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो ये m है, क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट। t मीन्स ऑब्वियसली क्या है, टाइम, जो कि किस में होना चाहिए, ईयर में, तो बताओ n कितनी बार ब्याज लेने आ जाएगा, हर साल में 2 बार आ रहा है तो 3 साल में कितनी बार आ जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे, m इंटू टी, हर बार 2 बार एंड 3 साल में कितनी बार आ जाएगा, 6 बार, तो जितनी बार भी टोटल, जितनी बार टोटल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, n, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। तो पता लगा आपको, फर्स्ट ऑफ पता लगा आपको ये एम टी क्या है, एम मीन्स 1 ईयर में कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कैसे निकालेंगे, 1 ईयर 12 मंथ डिवाइडेड बाय कितने मंथ में आ रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो हर 3 मंथ में आ रहा है तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय 3 मंथ, तो 1 ईयर में कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, तो एम 4 हो गया, और जितने भी ईयर उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एन आ जाएगा, टोटल कितने टाइम्स आपका इंटरेस्ट लेने आएगा। लेकिन आप बताओ हर 6 महीने में ब्याज लेने आ रहा है तो 12% क्यों दोगे उसको ब्याज, क्यों दोगे 12%, 12% तो साल का ब्याज कहा था मैंने आपसे, आप 6 महीने में पहुंच गए, मैं क्यों दूंगा साल का फिर ब्याज आपको, मैं 6 महीने का ही दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये साल में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय एम, 12% है, 2 बार आ रहा है, तो एक बार में कितना पे करना चाहिए मुझे, 6% पे करना चाहिए, तो फिर ये क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाय एम। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चे, यस और नो, तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, बताओ जरा क्लियर है, ठीक है, क्लियर है या नहीं है, हाँ और ना में अपना आंसर देंगे भैया, क्लियर है, कोई डाउट। चलो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज, प्रिंसिपल क्या है बच्चे, 2000 रुपीज, टी इक्वल्स टू क्या है आपका, 4 इयर्स, टाइम आपका ऑलवेज ईयर में होना चाहिए, एट 6%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 6%। फर्स्ट केस क्या कह रहा है आपको, एनुअली, एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन, एनुअल का फॉर्मूला ही होता है, क्योंकि आप हर साल में एक बार आते हैं तो जितने साल हैं उतने ही बार आप ब्याज देने के लिए आएंगे, तो फिर आपके पास में साल में एक बार आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं, तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और आप n, n मीन्स कितनी बार आएंगे, सिंपल जितना ईयर है उतनी बार ही आएंगे, तो ये अगर बोलते कि मैं साल में इतनी बार आ जाऊँगा, हर इतने महीने में आ जाता हूँ, तो वहाँ पर आप इस पर डिपेंड हो जाएंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको हर केस बताता हूँ, पहले एनुअल वाला बता देता हूँ, एनुअली क्या लगाओगे फॉर्मूला, s इक्वल्स टू p ब्रैकेट 1 प्लस i रेज टू पावर n,
एस इक्वल्स टू पी क्या है हमारे पास में 2000 एंड 1 प्लस आई क्या है, आई कैसे करोगे 6 एन इसको दिस वन, और एन कितनी बार आएगा वो एन इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर एन इक्वल्स टू 4 ही है, एन वाली चार्ज है तो 4 सॉल्व करेंगे एस इक्वल्स टू 2000 इंटू क्या आएगा 1.6% है ना 06, क्लियर बच्चे, रेज टू पावर 4 एंड एस इक्वल्स टू 2000 कैलकुलेटर लीजिए 1.06 इंटू, ठीक है, और कितनी बार करना है, चार बार है तो चार बार इक्वल प्रेस कर दो 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चे। मैं फिर से बताता हूँ क्या करा हमने, 1.06 है ना पावर 4 है तो मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करना है जितनी पावर है जितनी एन है 1, 2, 3, 4 तो क्या आया आपका 1.33, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1.33 बट दो डिजिट ले सकते हो बट आप कोई बात नहीं ले लो 82 एंड मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो कितना आया आपका एस इक्वल्स टू 2676.45। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई, कोई डाउट, आगे बढ़े बच्चे। चलिए अब सेम ही एनुअली मीन्स क्या होता है, 6 मंथ, सेम क्वेश्चन है, सेमी एनुअली मीन्स क्या है बच्चे 6 मंथ, ठीक है, अब सेमी एनुअली मीन्स 6 मंथ है, क्वेश्चन सेम है आपका, प्रिंसिपल वही आपका 2000 रुपीज है, टाइम आपका 4 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपका 6% है पर एनम, पढ़ लो 6% कन्वर्टेड 6% में कन्वर्ट करना है, पर एनम ही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी गिवन होगा। चलिए इसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, कभी भी अगर मेरे पास में सेमी एनुअली मीन्स क्या होता है 6 मंथ में आ रहा है तो कभी भी एक साल में ना करके 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आए तो वहाँ पर आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई, ठीक है, बस एक चेंज करोगे एम एन आ जाएगा और अपॉन में यहाँ पर एम आ जाएगा। अब आपके पास में एम क्या है एन क्या है वो कैलकुलेट करने की बारी आ गई, तो देखो बच्चे एम क्या होगा, एम कैसे निकालोगे आप, पहले आप निकालोगे एम इक्वल्स टू 12 मंथ, ये 12 मंथ ऑलवेज न्यूमरेटर में आएगा और आप कितने महीने में आ रहे हो, 12 मंथ एम निकालोगे तो ऑलवेज न्यूमरेटर में 12 आएगा, कितने महीने में आ रहे हो उसे डिवाइड कर दो 2 एंड आप एन कैसे निकालोगे एम टी और एम क्या है आपका 2 और टी क्या है आपका 4 8 आपका एन आ गया एम एन आ गया, अब अपने फॉर्मूले में आप कंफर्ट हैं, ठीक है बच्चे एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 P क्या हमारा 2000 रुपीज़ है 1 प्लस आई 0.6 अपॉन आई अपॉन एम एम क्या हमारे पास में 2 रेस टू पावर एम एन क्या हमारे पास में सॉरी एम टी रेस टू पावर क्या है एम एन नहीं है गलती से एम टी है तो एम टी क्या हमारे पास है बच्चे एम टू और टी क्या हमारे पास है 4, ये बात समझ में आ गया एस इक्वल्स टू 2000 प्लस ओहो 0.06 डिवाइडेड बाई 2 तो 1.03 रेज टू पावर 8, क्लियर है बच्चे एंड एस इक्वल्स टू 2000 अब देखो 1.03 लिख दिया मल्टीप्लाई एंड इक्वल को प्रेस करना है 8 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है बच्चे और आपके कैलकुलेटर में ना ऊपर हमेशा अब ये आपको आप याद नहीं होता आप कितने बार प्रेस कर चुके हो जितनी बार प्रेस करना है उससे 2 ज़्यादा आना चाहिए यहाँ पे 2 ज़्यादा तो यहाँ पे 10 आएगा ठीक है तो ऊपर 2 ज़्यादा आ जाएगा 5 बार प्रेस करना यहाँ 7 जब तक 7 नहीं आ जाए तब तक करते रहो 15 बार प्रेस करना 1, 2, 3, 4 भूल जाओगे
तो 17 बार आएगा यहाँ पे लिखा हुआ कोने पे, ठीक है, करके देखना आप। तो क्या आएगा आपका ये 1.3047 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो एस इक्वल्स टू 2609.54। क्लियर है बच्चे, मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा भैया सिक्स मंथ में, क्योंकि सिक्स मंथ में क्या होगा आपका, आप इस बात को समझो कि आपका 6% का भले ही 3% हो गया, तो 3-3% साल में दो बार 6% तो आपने लिया ही लिया है फिर भी, लेकिन फिर जो 3% आपके सिक्स मंथ में आया था उसके ऊपर भी आपने फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था नेक्स्ट सिक्स मंथ में, इसलिए आपका यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट ज़्यादा आएगा। जितनी जल्दी आओगे आप इंटरेस्ट लेने के लिए उतना ही आपका अमाउंट ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। अब क्वार्टरली कर लोगे आप, हाँ क्वार्टरली नहीं कर सकते क्या आप? तो कौन कौन से रह गए आपके, क्वार्टरली प्रिंसिपल क्या है आपका 2000 एंड आपका टी इक्वल्स टू क्या है 4 ईयर, ईयर में होना चाहिए ऑलवेज, एंड रेट इक्वल्स टू क्या है आपका 6% एंड क्वार्टरली मीन्स आप 4 मंथ में आ रहे हो, ठीक है, सॉरी 3 मंथ में आ रहे हो, क्वार्टरली मीन्स क्या होता है एवरी 3 मंथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में आप अपना एस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन एम इक्वल्स टू एम टी, ये अप्लाई करोगे। आइए m निकालते हैं, तो m कैसे निकालेंगे, m इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय, m इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, कितने मंथ में आ रहे हो 3 मंथ में आ रहे हो, तो m इक्वल्स टू 4, ठीक है, बस आपको m ही निकालना था यहाँ पर। अब आप सॉल्व करेंगे, s इक्वल्स टू 2001 प्लस, अब आप देखेंगे 0.06 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 और t क्या है हमारा 4, सॉल्व करेंगे S इक्वल्स टू 2000, क्लियर है बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 1.015 रेस्ट पावर 16, तो 18 टाइम्स तक आना चाहिए ना, S इक्वल्स टू 2000, चलो 1.015 दिस वन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 16 है तो कैलकुलेटर में लिखा हुआ 18 बार आना चाहिए, बट प्रेस में 16 बार ही करूँगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बट यहाँ लिखा हुआ क्या आएगा 18 बार आएगा, तो आप इसको देख के भी प्रेस करते रहो फटाफट फटाफट गिनने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे 1.288 और इंटू 2000, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास पे 2576.04, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको? अब ये एक क्वेश्चन मैं आपके अब मंथली कर लोगे बच्चे, मंथली में m क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 12 तो ऊपर आएगा एंड मंथली मीन्स एक महीना, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, हो जाएगा बच्चे ये क्वेश्चन डन, समझ में आ गया, कोई डाउट? फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट 700 रुपीज 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बस वही क्वेश्चन रिपीट है, आप कर सकते हो, करके दिखाओ मुझे, चलो आप करके दिखाओ, आप पे छोड़ता हूँ मैं क्वेश्चन, अभी करो फिर मैं करवाता हूँ। देखो बच्चे, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट 700 रुपीज, किसका अमाउंट बताना है 700 रुपीज का, इन्वेस्टेड फॉर द 15 ईयर्स, टी है बच्चे ये, एट द रेट ऑफ, इसको आर भी बोल देते हैं वैसे, स्मॉल आर है 8%, कंपाउंड सेमी एनुअली 6 मंथ, तो भैया जब भी आप एक साल के अंदर अंदर आते हो तो फिर आपको वहां पर एम कैलकुलेट करना पड़ता है, एम 12 डिवाइडेड बाय जितने मंथ में आप आ रहे हो, m इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया, एंड s का फॉर्मूला क्या लगेगा आपका
पी ब्रैकेट वन प्लस आई अपॉन एम इंटू एन एंड एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारे पास में क्या है, 700 रुपीज़ है। वन प्लस आई, आई क्या है बच्चे, 8%। 8 को क्या करोगे आप, 8% है तो आप 8/100 करोगे ना परसेंटेज आकर के, तो क्या बन जाएगा 0.08 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चे आप, तो 0.08 अपॉन में ये आई है, ये सिर्फ आई आया। अब अपॉन में एम करोगे, एम क्या है 2, और एम क्या है 2, और एन कितना है आपका, एन आपका है 15 ईयर्स। सॉल्व करोगे एस इक्वल्स टू 700 ब्रैकेट 1 प्लस 0.04 इक्वल्स टू 30 एंड एस इक्वल्स टू 700 ब्रैकेट 1.04 रेज टू पावर 30। सॉल्व करते हैं इसको, कैलकुलेटर है तो भैया किस बात की चिंता, जब घर में पड़ा है सोना तो काय को रोना। 1.04 क्लियर है, 1.04 मल्टीप्लाई है प्रेस 30 है ना, और कौन तीसरा गिनने के बैठा है, जब तक यहाँ 32 नहीं आ जाए दबाते रहो और आपसे बात भी करते रहो। देखो बच्चे, तो एक कैट का बैच आया है तो आप कैट के बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी क्या है, 32 आ गया ना, तो आपके पास में क्या है 700 मल्टीप्लाई बाय 3.373 इंटू 700, तो कितना आया बच्चे 2361.19। दिस वन इज योर अमाउंट। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, सम ऑफ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना पैसा हो गया आपका 2361.19 माइनस प्रिंसिपल 700 इक्वल्स टू माइनस 700 1661.193। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको ये, तो ये हमारे पास में क्या है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे अब अगली कक्षा में आगे कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितना भी समझ पाए आप बेहतर समझ पाए। हाउ लॉन्ग विल वी टेक द फोर, यहाँ पर हाउ लॉन्ग अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे टाइम पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है, और आप लोगों को देखिएगा अभी आप लोगों को टाइम खाली लग रहा है या फिर जो भी लग रहा है, ये उनके लिए जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। बट आप सोचिए आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करेंगे आप, रेगुलर कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स आप जो रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं या कुछ बच्चे सोल से कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनफ है आपको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए, क्या आपको आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब दे देगा? नहीं, आप सबको पता है कि इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। अब आफ्टर ग्रेजुएशन आप 2-3 साल और दोगे कुछ करने में, या यहीं से वो प्लानिंग कर लो तो कि आफ्टर ग्रेजुएशन विद इन 1 ईयर में आप एक अच्छे जॉब पे हो या एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपके पास में जो सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए अगर आप सीए कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप उसमें कंटिन्यू करे रहें और उसको कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। और आप सीए भी नहीं कर रहे तो आप एमबीए के लिए प्लान कर रहे हैं, और एमबीए का मतलब आपको मालूम है बहुत सारे ऑप्शन है ये वो, फिर वहाँ से जब जॉब नहीं मिलेगी तो आप बोलना मत कि सर एमबीए करके हम बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे बहुत बेरोजगार बैठे हैं, फिर उन्हीं के लिए सलाह पकौड़े तलने की जो गवर्नमेंट देती है। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो आईआईएम से कैट का एग्जाम तो क्रैक करो कम से कम, तो कैट के प्रिपरेशन में आपको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं कई बार, इसलिए अभी से कैट का एक बैच लेकर के अपने से 2 से 3 घंटा उस कैट पे डेडिकेशन के साथ पे दो, ठीक है। 33-30 लाख रुपए का पैकेज आपका आएगा एमबीए करने के बाद, और एमबीए आपका होगा कैसे, उसके लिए बैंक फाइनेंस कर देगी आपको, अगर आपका आईआईएम या कैट के थ्रू आप किसी भी 15-15 इंस्टीट्यूशंस में आपका एडमिशन होता है एमबीए के लिए, ये प्लान कर सकते हो। प्लस आफ्टर ग्रेजुएशन आप बैंक के एग्जाम दे सकते हो, गवर्नमेंट बैंक के, SBI या PNB एटसेट्रा, जो भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ, जो भी बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपके गवर्नमेंट बैंक है, इसमें आप एज अ प्रोविजनल ऑफिसर, बैंक मैनेजर टाइप आप जिसे कहते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे, जो आप कैट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश कॉम्प्रेहेंसिव 3 सब्जेक्ट है, सेम यही 3 सब्जेक्ट, सेम यही लेवल आपका बैंक पीओ के अंदर भी आता है, सेम ही पेपर आता है लगभग लगभग, तो वहाँ पर आप कैट के प्रिपरेशन से एमबीए के एंट्रेंस को भी कैट के फर्स्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग सेक्टर के लिए भी आप फाइट कर सकते हो, यहाँ भी 60-70 हज़ार सैलरी है। दो चीज़ की प्लानिंग आप अभी से तो करो, 2 साल आपके पास में है, या फिर यही करोगे कि भैया सिर्फ
आप कॉलेज कॉलेज जितना पढ़ोगे उसके बाद सारे टाइम मौज मस्ती में निकालोगे। मौज मस्ती करो, जरूरी है वो तो, जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, बट कम से कम 2-3 घंटा प्लानिंग तो आपके पास में होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? ये मैंने आप एडवाइस कर दिया भैया, आप चाहे मेरे मुझसे मेरे कोर्स से कैट करो, क्वांट मत करो, ये एक अलग बात है, लेकिन आप कहीं से भी जरूर करो। क्लियर है बच्चे? और अगर आपको मेरे कोर्स से करना है तो सबसे सस्ता इंडिया के अंदर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपना कोर्स, 657 के आसपास है, 100 के आसपास है, और मैं इसमें वैलिडिटी आपको जब तक दे दूंगा जब तक कि आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं। इतनी लंबी वैलिडिटी मैं अभी आपको दे सकता हूँ, जो बच्चे अभी एनरोल हुए हैं हाल फिलहाल में इस कोर्स के अंदर। सिर्फ इस कोर्स के लिए वैलिडिटी बढ़ेगी, अदरवाइज सबकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, आपकी मोर देन 1 ईयर रहेगी। क्लियर है बच्चे? तो ये चीज़ें हैं, आप इसके लिए कैट के एग्जाम में जा सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके अंदर भी गणित जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ बच्चे, मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको क्लासेस के बाद। अभी एक्चुअल में क्या, जो असाइनमेंट बनाने वाला टाइपिस्ट है वो थोड़ा ऑफ पे चला गया है, वो 2-4 दिन में आएगा, उसका असाइनमेंट आपको मिलते रहेंगे, लाइक एसआई का मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल जाएगा, प्रैक्टिस असाइनमेंट और बिल्ड आंसर की। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।